Good morning, children. So we are in lecture number one, sorry, two of chapter three. That is nationalism in India. Now see, children. Today we are supposed to study different topics which are written on the board. But before studying this topic, we will revise lecture one. Now see, what is the title of the chapter? Nationalism in India. As I told you, nationalism was born after the failure of revolt of 1857. जब revolt of 1857 fail हुआ, उसके बाद जो हमारे हिंदुस्तान में, भारत में एक awareness आया, उसको renaissance बोलते हैं। और वो ही renaissance में से, वो ही awareness में से एक nationalism का जन्म हुआ, जो आगे जाके हमारी आजादी का कारण बना। है समझ में? तो यू नो व्हेन रिनाइसेंस स्टार्टेड, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल, एंड एज आई टोल्ड यू रिपीटिव टाइम्स, राजा राममोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ रिनाइसेंस। ही इज एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज, और ब्रह्मो समाज के देखते हुए आगे जाते कई ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस बने जो हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम के पहले, जो हमारे समाज में उस वक्त, हमारे मन में उस वक्त जो गंदगी भरी थी वो निकालने का प्रयास करते थे। जैसे ब्रह्मो समाज थे, आर्य समाज थे, रामकृष्ण मिशन थे, कई सारे ऐसे ऐसे। और राजा राममोहन रॉय के बाद कई सारे हमको फिलोसोफर्स, समाज सुधारक मिले, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, नरेंद्रनाथ जिसको हम नरेंद्रनाथ बोलते हैं, केशव चंद्र सेन हैं, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, ठक्कर बापा, ज्योति बापूले, ऑल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में देख लो, जो ज्योति ब्रह्मो समाज ने प्रज्वलित की थी बंगाल में, उसकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। और ये जो रिनाइसेंस हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, अवेकनिंग हुआ, उसका सबसे अहम पहलू था एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन डेवलप होने लगा, और एजुकेशन की बदौलत हम लोग समझने लगे कि गुलामी क्या है, आजादी क्या है। उस वक्त यूरोप पूरा आजाद था, लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, तो इधर क्या गुलामी? दैट मेड अवर माइंड टू प्रोटेस्ट स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट स्लेवरी, कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, अगर उसको आजादी मिलती है तो हमको क्यों नहीं मिली? अच्छा, ये सोच कहां से पैदा हुई? ये सोच पैदा हुई एजुकेशन की वजह से। और बिकॉज ऑफ एजुकेशन वी केम टू नो अराउंड द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग। और 18th सेंचुरी में दो बड़े रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो ओके, इट वाज वेरी गुड, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसने दुनिया को हिलाते रख दिया था। जैसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसके प्रेरणादायक थे लफायत, मिराबली, ये दोनों महान भोगड़े, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था मिराबू और रफायत कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा समान बन गया। जो जो देश आजाद होते गए, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता गया, तब सारे देश ने, तकरीबन सारे देश ने, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड
इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आज फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, दिस आर ऑल द वर्ड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बात नहीं, बराबर है. फिर मैंने लिटरेचर के बारे में बोला, न्यूज़पेपर के बारे में बोला, पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक रीजंस, वो सब उसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड विद मैग्निफिसेंट रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया. अभी जो मैं बोल रहा था वो लेक्चर नंबर 1 का था. अभी हम लेक्चर 2 शुरू करते हैं. मैग्निफिसेंट हेरिटेज ऑफ इंडिया. पिछले लेक्चर में मैंने बोला था We have taught the culture to the world. World has not taught that much what we have granted to the world. दुनिया को सभ्यता हमने सिखाई है. You ask your parents बच्चों, जब आपके parents आपकी एज के थे तब एक मनोज कुमार का एक मूवी था पूरब और पश्चिम. I think that movie was on. Was in 70s or 80s, I don't remember that exactly, but it was a movie of 70-80. Right? Purab aur Paschim. Uska ek gana hai. Song hotel mein aata hai. Sab videshi log baithe hain. Videshi sharab pee rahe hain. Right? To usme Manoj Kumar उसी उसकी मूवी आप देखो तो हर वक्त वो देशभक्त का किरदार निभा रहे. भारत उसका नाम भी मूवी में भारत ही होता है, है उसका नाम भी भारत और हमेशा देशभक्त का वो किरदार निभा रहे. उस वक्त वो गाना आता है, वो गाना ऐसे शुरू होता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने. दैट मीन्स Zero was invented in India. बराबर. उसके बाद कई सारी डिस्कवरीज हुई जब जीरो दिया मेरे भारत ने. बराबर. फिर वो एक मुखड़ा आता है, मेरे को नहीं आता वो पूरा गाना, लेकिन वो अपनी लाइन्स में भी आते हैं. फिर वो मुखड़ा खत्म हो जाता है, फिर वो लाइन आती है ऐसे, जिस देश उस देश का रहने वाला हूँ उस देश की कथा सुनाता हूँ. मतलब I am talking about India, right? आप देखो कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस, आप सब लोग ये सब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. कब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हम आज तक जो साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस में जो पढ़े वो कई सारी चीजें गलत है. एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रिटिश, फ्रेंच और व्हाटसोएवर हु केम टू इंडिया, आवर हिस्ट्री इज जस्ट टीचिंग अस दैट दे जस्ट लूटेड द मटेरियल वेल्थ ऑफ इंडिया. नो सॉरी, हमारी मटेरियल वेल्थ के साथ हमारी इंटेलेक्चुअल वेल्थ भी उतर गई थी. और उस वक्त वो रिनेसेंस का दौर था. उधर मैं बार बार बोलता हूं, उधर आपको रिनेसेंस के दौर में एजुकेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी में था यूरोप में. तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज था उधर गया, ट्रांसलेशन हुआ और वो ट्रांसलेशन के जरिए उन लोगों ने सब साबित किया. मतलब आप जो वेस्टर्न साइंस पढ़ रहे हैं वही वेस्टर्न साइंस हमारी देन है. एक फॉर एग्जाम्पल बच्चे लोग, आप लोग पढ़ते हो कि न्यूटन इन्वेंटेड द लॉज ऑफ मोशन. एम आई राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, राइट? न्यूटन इन्वेंटेड द लॉज ऑफ मोशन इन 1642. आप लोग साइंस में से पढ़ के आते हो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. उसकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया, द प्रिंसिपिया, जिसमें सारा डेटा दिया गया है. आप ढूंढ लो. अच्छा, मैं 1642 की बात कर रहा हूं. न्यूटन के बुक का नाम था प्रिंसिपिया, राइट? वही बात
सेंचुरी बीसी एंड रिपीट 8th सेंचुरी बीसी मतलब 1642 माइनस 8th सेंचुरी बीसी तकरीबन 2500 इयर्स कितना गैप हुआ 2500 साल का 2500 साल का उस वक्त वो सारी चीजें हमारे जो एस्ट्रोनॉमर थे ब्रह्मगुप्त था उसने प्रूव की थी। अच्छा उसकी बुक का नाम क्या था ब्रह्म सिद्धांत। अब आप ही देखो ब्रह्मगुप्त ने जो 2500 साल पहले प्रूव किया था वही प्रूफ 2500 साल बाद यूरोप में प्रूव होता है। अरे भैया टेक्स्ट बुक का टाइटल भी कॉपी होता है, टाइटल भी कॉपी होता है। अगर मेरी बात झूठ है तो आप देख लो सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। हम तो आपकी उम्र पे थे तब कम पढ़ के सब जानते थे, अभी तो मोबाइल लेकर में सब कुछ अवेलेबल होता है। झूठ लो आप। द बुक रिटन बाय ब्रह्मगुप्ता वॉज ब्रह्म सिद्धांत एंड द बुक रिटन बाय न्यूटन वॉज द प्रिंसिपिया, मतलब टाइटल भी सिमिलर है ब्रह्म सिद्धांत। सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल और प्रिंसिपिया का मतलब इटालियन वर्ड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपिया इटालियन वर्ड है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है प्रिंसिपल्स। अच्छा ब्रह्मगुप्ता की बुक का नाम क्या था ब्रह्म सिद्धांत। अच्छा आप अब टैली करो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड सिद्धांत, आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसे तो कई सारी चीजें जिसको आज हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं, उस वक्त हमारे कल्चरल हेरिटेज में एक्सपेरिमेंट होते थे। उस वक्त ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, वार्बर्ग नाम जो डॉक्टर थे उसकी बुक है अष्टांग हृदय, एक टाइप ऑफ सर्जरी परफॉर्म ऑन हार्ट। बट अलोंग विद मटीरियल वेल्थ हमारे पैसे हमारे मटीरियल से उसके साथ साथ हमारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी उतर गया, क्योंकि उन लोगों को एक जिजिक्षा थी एंग्जाइटी थी कि इंडिया व्हाई इज कॉल्ड लैंड ऑफ रिचेस, इंडिया सोने की चिड़िया क्यों है, इंडिया कितना सबसे अमीर देश क्यों है। तो वो सब उसको जवाब उसमें से मिलता था। एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म एंड दे वर ट्रांसलेटेड, एक्सपेरिमेंट्स बने, फिर वो ही एक्सपेरिमेंट्स अपने हिसाब से अपने नाम से हमको देने लगे एंड वी स्टार्टेड अट्रैक्टेड टुवर्ड वेस्टर्न साइंस। पर वेस्टर्न साइंस में ऐसे नहीं बोलता गलत है, लेकिन वेस्टर्न साइंस की नींव हमारे हिंदुस्तान में रखी थी, राइट एंड दैट इज व्हाई वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर। अभी तो आप छोटे बच्चे हो गए, आपको जो सिखाता है वो ही आपको सीखना पड़ता है। जब आप बड़े होंगे, जब ये सब जानकारी पाओगे, जब आप ढूंढोगे ये सब, तब आपको पता चलेगा कि वी वर फूल्ड बाय स्कूल। तो स्कूल में ऐसा सिखाया था, ऐसा था, ये तो बिल्कुल गलत है, इसे ऑपोजिट है, हमारा ऐसा कुछ था। हम एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं, एंशियंट टाउन प्लानिंग, उस वक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग था वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ टाउन प्लानिंग है। आज भी उसके हिसाब से हमारा गांधीनगर अमृतसर का प्लानिंग है, all roads east and west north and south, right high plate। आपने वो शायद मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, मतलब they were far far ahead in thinking and that is why we are rich, we are proud of our Indian culture। So let us say that ancient archaeologist Alexander Cunningham and the assistant excavated many sites of the ancient civilization of Indus Valley civilization। ये पूरी हिस्ट्री आप टेंथ में पढ़ोगे,
शायद मैं ही आपको टेंथ में पढ़ा होगा ऐसे, तब आपको पता चलेगा कि एक टाइम में हम क्या पढ़े थे और टेंथ में क्या लिया था। मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि टेंथ में आप सच्ची हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं तो दोनों सिलेबस पढ़ाता हूँ कई साल से, एंड लिटरली आई एम फाइटिंग द पॉडकास्ट। टेंथ वाले बच्चे को वो पढ़ाता हूँ, एट्थ वाले बच्चे को ये पढ़ाता हूँ, मजबूर हूँ क्योंकि बुक में लिखा है, मेरा तो पता चल चलेगा नहीं, अगर मैं जो बताता हूँ आप नहीं पाओगे तो एग्जाम में फेल होगे। लेकिन वास्तविकता ये है, ऐसा मुझे दे डिस्कवर मेनी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड द साइट्स ऑफ इंडिया। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक राय बहादुर दया राम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, रखन दास बैनर्जी, ये सब नाम आपको टेंथ के फर्स्ट लेसन में आएंगे। कंटिन्यू दिस एक्सप्लेनेशन एंड अर्थ द मैजेस्टिक सिविलाइजेशन, जिसको हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, और हमारे जैसे सिविलाइजेशन उस वक्त दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं था। हाँ, हमारा सिविलाइजेशन के थोड़ा बहुत करीब साउथ अमेरिका में छोटे छोटे सिविलाइजेशन थे जिसका नाम था माया, MAYA, कोई लड़की का नाम नहीं है, सिविलाइजेशन का नाम है। दूसरा नाम था एस्टेक, AZTEC। ये दो सिविलाइजेशन जो थे साउथ अमेरिका में, जिसको आप आज अर्जेंटीना ब्राजील बोलते हैं, उधर अमेज़न में, वो तकरीबन हमारे करीब था। लेकिन जब स्पेनिश लोग उधर पहुंचे, साउथ अमेरिका पहुंचे जब स्पेनिश लोग 15 सेंचुरी में, सबको काट के रख दिया था। ये तो 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, बाकी शुरुआत में यूरोपियंस प्रजा लुटेरी प्रजा ही थी, मारने काटने से कुछ ज्यादा उसको आता ही नहीं था। जो सच्चाई वो दिखाई नहीं है, और जो सच है नहीं वो पता नहीं है। पूरी दुनिया पे 15-16 सेंचुरी में जोग्राफिकल डिस्कवरीज करके पूरी दुनिया को गुलाम बनाया, लूटफाड़ करके अपना घर भरने की साजिश हो रही थी, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे स्पेनिश हो, चाहे पोर्चुगीज हो, कोई भी हो, किसी ने एशिया को लूटा, किसी ने अफ्रीका को लूटा, किसी ने मिडिल ईस्ट को लूटा, किसी ने साउथ अमेरिका को लूटा, जहां भी वो लोग गए, मारने काटने से ज्यादा उसने कुछ नहीं, कम कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ। सो दैट वॉज द कंसेप्ट। The scholars from the West, in collaboration with Indian scholars, tried to find out what about the Indian culture and heritage. We are proud of our culture. And many see the words. Ancient Indian books like medical science, astrophysics, diplomacy and spirituality was translated into English and known to the people of all. Ye sari books idhar se chura ke udhar pahunchi, wo translate hui aur uske naam pe humko de diya. हमको ऐसा लगने लगा ये तो बहुत महान है, कितने बड़े लिखे हैं, और हमारे पे धर्म का एक थप्पा लगा दिया। चोर कभी ऐसा बोलेगा मैं चोरी करता हूं, मैं चोर हूं, कभी नहीं बोलेगा, वो तो पब्लिक के लिए ऐसा ही बोलेगा, मैं तो शाहूकार हूं। वो सारी चीजें हिंदुस्तान से उधर पहुंचे, ट्रांसलेट किया, और हमारे पे क्या थप्पा लगा दिया कि इंडिया एक धर्म का देश है, सब कुछ धर्म के हिसाब से ही चलता है। पूरा देश धर्म से चलता है और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल इंसान को बार बार ऐसे बोलो ना कि भैया तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, एक हफ्ते के बाद वो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ मैं पागल हूं, वो मैं एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसकी मेंटालिटी हो जाती है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, लोग बोल रहे हैं मैं पागल हूँ, वो अच्छा है तो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे मैं पागल हूँ। इसलिए हमारे पे कौन सा थप्पा लगा दिया, इंडिया तो धर्म का देश है,
इंडिया में धर्म के अलावा कुछ नहीं है, और वो थप्पे के अंदर वो अपना काम करते गए और हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम सबको धर्म के हिसाब से चलता है। दैट मींस इन शॉर्ट दे टुक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ आवर इग्नोरेंसी, हमारे जो अनएजुकेटेडनेस था, हमारे जो धर्म का दम था, उसका पूरा उन लोगों ने फायदा लिया। लेकिन लोग बच्चों आप लोग समझ लो, यू कैन नॉट हाइड ट्रूथ, सत्य को आप कभी छिपा नहीं सकते। आज नहीं तो कल वो बात तो आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये सब बार आता है कि जो 19th-20th सेंचुरी में वो लोग बोल रहे थे ये सब हमने दिया है, हमने किया है, उसका ओरिजिन तो इंडिया में था। अब आप किसको मुंह दिखाओ, किसको मुंह दिखाओ, मतलब ऑल दिस रमेश, ये सब होने का एक ही कारण है, हमारे राजा रजवाड़े में यूनिटी नहीं थी, अंदर अंदर की लड़ाई थी, इसलिए वरना तो ये हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते, हम दूसरी हिस्ट्री पढ़ते बेटा। सो ऑल दिस थिंग्स दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो तो मैंने आपको बोला है इंटेलेक्चुअली, तो वो स्टेट फैक्टर्स एंड अदर रीजनल फैक्टर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस by Sir A.O. Young, Alan Octavian Young, whose pura naam hai, a British officer. He realized that the British Empire was not secure as it appeared to be. Usko malum pad gaya tha ki spring ko aap jitni press karoge wo zyada chhatkegi. Wo British the lekin acche the. और उसकी बदौलत, उसकी इंस्ट्रक्शन की वजह से, उसकी सलाह की वजह से एक इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन बना जिसको आज हम कांग्रेस बोलते हैं। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस वक्त की बात कर रहा हूं, आज की तो टोटल ऑपोजिट है, उस वक्त सब पढ़े लिखे थे, आप समझ जाओ आज की बात, उस वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग पॉलिटिक्स में आते थे देश की सेवा के लिए। आज क्या है, कुछ काम धंधा नहीं है तब पॉलिटिक्स में आते हैं। जो इंसान कहीं नहीं चलता हो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चलेगा, बराबर यू बिलीव दैट इफ द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वाज नॉट टेकन केयर ऑफ देयर इज चांसेस ऑफ रिकरेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर हिंदुस्तानी लोगों को समझा नहीं, अगर उनका ख्याल नहीं रखा, तो 1857 जैसी घटना वापस हो सकती है, और इसीलिए उसने इंटेलेक्चुअल लोगों के ग्रुप बनाया, बराबर, जिसको बोले इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ही होता है बहुत पढ़े लिखे लोग, कांग्रेस का मतलब ही होता है बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग। अच्छा, वो बिल्कुल मतलब सही था, लेकिन कब तक, 1948 तक, 1950 तक, जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हुई तब। उसके बाद जिसको हम गुजराती में बोलते हैं दीवा मारे अंदर, अब तो दीवे बोल रहे हैं कुछ सुहा, so he thought of establishing political organization. Viceroy Lord Dufferin agreed this idea and supported him. With the efforts of Alan Octavian Young, Indian National Congress was established in December 1885. Date of the MCQ mein aayegi, right? Acha, pehla session, pehli meeting kahan thi, wo baad mein learn karna. The first session of Indian National Congress was held on 28th December 1885. एट गोकलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला ग्वालिया टैंक इन मुंबई। उस वक्त तो साउथ मुंबई था, उस वक्त नॉर्थ मुंबई नहीं था, साउथ मुंबई डेवलप हुआ था क्योंकि ब्रिटिश मुंबई फोकस थे। ब्रोबेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट
was the first president. 72 representatives of different regions of India were present in this conference. 72 intellectual log, belly bar, पूरे हिंदुस्तान भर में से एक कॉन्फ्रेंस में आए थे. मतलब वो लोग कुछ करना चाहते थे, उसके मन में कुछ जज्बा था, आजादी का जुनून था, मतलब पॉजिटिव लड़त के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे. द मेन लीडर्स प्रेजेंट एट दैट फॉर टाइम वॉज दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तिलक, दिनशा बादशाह, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के देश सेवा में लगे हैं. राइट, मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड मिशंस वर डिस्कस. देखो नीचे पेज नंबर 16 पे फोटोग्राफ दिया है, पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था. राइट, देन सेकेंड वॉज हेल्ड इन कोलकाता. हु वॉज द प्रेसिडेंट? दादाभाई नौरोजी. नंबर ऑफ मेंबर्स 432. Year 1886. Third was held in Chennai. Who was the president at that time? Badruddin Tayyab ji. 1887. Number of members? 607. The intellectuals to who aate gaye, aur ek azadi ki jo meme thi, वो दिन ब दिन तेज होती जा रही थी. राइट, नाउ वी आर कमिंग टू 20th सेंचुरी. ये मैंने 19th सेंचुरी के एंड तक का लेखा जोखा आपको बताया. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू 20th सेंचुरी, दैट इज आफ्टर 1901. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस. द इनिशियल एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स सॉफ्ट, क्योंकि वो लोग इंटेलेक्चुअल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो कोई थोड़े लड़ाई झगड़े में मानते थे. आज की तरह जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा नहीं लगता था, आज की तरह तूफान नहीं होता था. वो लोग विरोध करते थे, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा थी, एक डिसिप्लिन थी. इट इंक्लूडेड पुटिंग अप डिमांड्स फॉर मोर पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. मतलब वो पूरे समाज को ढंडोल के आगे ले जाना चाहते थे, वो पूरे समाज को अपलिफ्ट करना चाहते थे, ये उसका ध्येय था. अमंग अदर डिमांड्स, इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, जो हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे में से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अयाशी कर रही थी, जो बिन जरूरी खर्चे कर रही थी, वो हमारे ध्यान में तो आते ही थे. तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया सरकार कि भैया ये सब तो नहीं होगा, इधर लोग को दो टक की रोटी नहीं मिलती है और आप उधर मजे लुटा रहे हो, ये तो गलत बात है. क्योंकि आखिर टैक्स का पैसा किसका है? प्रजा का पैसा है, अपनी खून पसीने की कमाई में से वो लिए कमाई में पैसे है, इसको आप ऐसे ही नहीं उठा सकते. दैट मीन्स दिस पीपल मेड अवेयर टू द गवर्नमेंट कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये हम नहीं होने देंगे. अच्छा, जो गवर्नमेंट के स्टेप सही थे उसमें वो लोग सपोर्ट करते थे. मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि हर बार वो विरोधी करते थे, सही बात थी उसमें वो लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन गलत बात में वो लोग चमके विरोध करते थे. Debt of farmers, revival of cottage industries,
इनिशियली दिस डिमांड वॉज नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन इधर से ही आजादी का रास्ता निकलता था, इधर से ही आजादी का जन्म हुआ था, राइट? द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड मेनी रेजोल्यूशन सच एज एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एटलीस्ट 50% इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल एंड रीजनल लेवल. सारे ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो नहीं चलता, वो आप लोग हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तान की आवाम की जो आवाज है, हिंदुस्तान की तकलीफ है वो हिंदुस्तानी से ज्यादा कौन जानेगा. 50% इंडियंस मस्ट बी रिजर्व फॉर दिस पोस्ट. मतलब अगर 100 सीट है तो 50 सीट अपने आप में आदमी रख सकते हो, लेकिन 50 सीट तो इंडियंस को मिलनी चाहिए, कोई उसको मालूम पड़ेगा ना क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है. जैसे हमारे एमपी है, एमएलए है, उसको हम चुन के छोड़ विधानसभा लोकसभा में, ये आशा से कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो प्रश्न है वो उधर उठाए, राइट? द पार्लियामेंट शुड बी मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द रीजनल असेंबलीज. जो जनप्रतिनिधि चुन के छोड़ दे उधर, वो आंसरेबल है, उसको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है. मतलब आज की जैसा गंदा पॉलिटिक्स नहीं था, वो लोग सच्चे ईमान से सच्चे दिल से काम कर रहे थे, लोगों को विश्वास था कि जिसको हमने चुन के उधर भेजा है वो हमारी आजाद हमारी आवाज उधर उठाएंगे, हमारे काम करेंगे, हमारी तकलीफ इधर उधर तक पहुंचाएंगे. देखने को मिलता है आज कोई भी पक्ष देखो, कोई भी पार्टी देखो, आज कहीं ऐसा देखने को मिलता है, कहीं नहीं देखने को मिलता, राइट? Due to the demand of Indian National Congress, the British government granted more freedom to the press and granted more personal liberty and freedom of speech to the people of India. मतलब एक के बाद एक हमारी जीत होने लगी, right? The Indian National Congress inspired many educated youths and fostered means help to grow the nationalism educated class. मतलब educated class was growing and growing and growing. जैसे जैसे एजुकेटेड क्लास ग्रो होता गया वैसे वैसे अवेयरनेस आती गई. वही अवेयरनेस में से हमारी आजादी की नींव रखी गई. यू अंडरस्टैंड दैट? ओके. एंड एज अ रिजल्ट मेनी कैपेबल एंड पोटेंशियल लीडर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. मतलब एक के बाद एक कई सारे एजुकेटेड लीडर्स आए जिसका एक ही मोटिव था समाज सेवा, अपलिफ्टमेंट, भारत माता की सेवा. जो भी मैंने आपको बताया उस वक्त का पॉलिटिक्स क्या था और आज का पॉलिटिक्स क्या था, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, ऑलमोस्ट ईस्ट-वेस्ट, व्हिच आई एक्सप्लेन. एम आई राइट चिल्ड्रन? पूरा क्लियर हो गया आपको? ओके. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू 1905 एंड इट्स कॉल्ड डिवाइडिंग रूल. नाउ सी चिल्ड्रन, as I told you, Bengal became the epicenter of any national movement. That means, whatever incident took place, whichever movement started, it always started from Bengal. At that time, there was no existence of Bangladesh. But unfortunate to say, Bengal was such a huge province which was having majority minority criteria. Specifically speaking, on the eastern part of Bengal, there was Muslim majority and Hindu minority. On the western part of Bengal, there was Hindu majority and Muslim minority. Means it was concentrated in that way. When Curzon came to India, he studied this situation. And national movement started to grow stronger and stronger. बहुत आगे बढ़ चुके थे, तो उसको ऐसा लगा कि अगर ये मूवमेंट इसी तरह आगे बढ़ती गई तो भैया क्या पता कल हो ना हो. मतलब ये
इधर से मोरिया बिस्तरा बांध के वापस जाना पड़ेगा, कर जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ही मेड अ प्लान, अ विकेट प्लान, राइट। माना क्या निकला कि बंगाल इज सच अ ह्यूज प्रोविंस, बंगाल इज सच अ ह्यूज प्रोविंस, एडमिनिस्ट्रेशन में कई दिक्कतें आती है, तो इसीलिए हम डिवाइड करना चाहते हैं, हमको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना है, काट काट अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, 100 साल में कुछ नहीं दिया और 2 साल में उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उसकी ये गंदी रमत थी। ईस्ट वेस्ट बंगाल को वो अलग करना चाहते हैं, कैसे, इंटेंशनल, they wanted to break Hindu Muslim unity, because us what there was no Hindu, there was no Muslim, there was only Indians, I samajh mein, to wo do class ko alag karna chahte the, kyunki ek side Hindu majority Muslim minority, dusri side Muslim majority Hindu minority, agar kuch hua Hindu Muslim ke beech mein wo log aapas mein ladenge, wo log aapas mein ladenge वो आग पूरे देश में फैलेगी और हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखेंगे, यही मंशा से उसने बंगाल का डिविजन किया। लेकिन लोग पहचान गए थे उसकी चाल क्या थी, राइट, और इस ऑफ डिवाइड एंड रूल, उधर से ये नाम आया डिवाइड एंड रूल। इन द इनिशियल सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्निंग टू हॉस्टिलिटी, the British government officials, right, attended the session and Lord Curzon took a certain steps in the interest of national integrity, right, desh ki integrity ke liye Lord Curzon ne bahut bada step uthaya tha, kaun sa step, division of Bengal in 1905, he imparted a policy of divide and rule, now partition of Bengal. Bengal was a big province of British India. It included southern parts of Bihar and Orissa with a population of more than 7 crore 80 lakhs. Us waqt 8 crore ki abadi thi sirf Bengal mein. Right? It was necessary to divide Bengal since the administration of such a big province was becoming difficult. Aaj tak difficulty nahi thi. अचानक डिफिकल्टी हुई कि भाई इतने बड़े प्रोविंस को तो हम गवर्न नहीं कर सकते, इतने लोगों की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, इसे तो अच्छा है उसका दो बंटवारा कर दो, कहने का मतलब कुछ था, करना कुछ था। बेसिकली उसका इंटेंशन क्या था, ही वांटेड टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि बंगाल आजादी का एपिसेंटर बन चुका, और सबसे इंटेलेक्चुअल लोग उस वक्त बंगाल में सारे थे। तो कर्जन को ऐसा लगा कि अगर यही हम काट दें, किसी पेड़ की हम जड़े काट दें, तो पेड़ ग्रोथ ही नहीं होगा। तो इतने गंदे विचार से उसने बंगाल का डिविजन किया, ऐसा समझ में। इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द पार्ट्स ऑफ बिहार बंगाल Bihar and Orissa, East Bengal was having a majority of Muslim population and separated from it. Bengal was the most active province in nationalistic movement of that time. आई समझ में? सबसे ज़्यादा political event Bengal में होती थी. मतलब Bengal was the epicenter of nationalism. कोई भी बात Bengal में से शुरू होती थी. और सबसे ज़्यादा education भी Bengal में. To maintain the main intention of Curzon was to promote communal difference between Hindus and Muslims, जो 1000 साल से भाई भाई की तरह रहते थे, उसको आज बांटना चाह रहे थे, right? National leaders and the common people understood the intention behind the partition and opposed intensely. और उसमें सबसे बढ़िया काम उस वक्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था,
यू ऑब्जर्व पार्टीशन डे एज अ नेशनल मॉर्निंग डे, राष्ट्रीय शोक दिवस, और उसके आह्वान से जैसे रक्षाबंधन भाई 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 बहन सेलिब्रेट करते हैं, उस वक्त 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन बंगाल में सेलिब्रेट की गई, मतलब हिंदू भाई मुसलमान को राखी बांधते थे, मुसलमान भाई हिंदू को राखी बांधते थे, तो बोलते कहा था कि दे कैन डिवाइड अस पॉलिटिकली बट दे कैन नॉट डिवाइड अस हार्टली। वो एक पॉलिटिकल रख के खींच सकते हैं कि ये भाई ये हिस्सा तेरा ये हिस्सा मेरा, लेकिन दिल से हम कैसे डिवाइड करेंगे, दिल को कैसे डिवाइड करेंगे। एंड इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, और जो बंगाल को 1905 में डिवाइड किया गया वही बंगाल को 1911 में वापस छोड़ना पड़ा। वो हमारी पहली जीत थी, लेकिन वो 6 साल के बीच में एक ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो मैं आपको बताऊंगा। वो घटना होने के बाद 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर ये घटना नहीं होती तो आज पाकिस्तान नाम कोई देश दुनिया में होता ही नहीं। सो दैट वाज द थिंग, बंग बंग मूवमेंट, पीपल ऑफ बंगाल अपोज दिस एफर्ट्स ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बंगालीज, रैलीज वर पावर, और उस वक्त हमारा सबसे बढ़िया गाना आज हमारा नेशनल एंथम है, वो बन गया वंदे मातरम, राइट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो बहुत बड़े बंगाली राइटर थे, उसकी जो नॉवेल थी आनंद मातरम, उसका जो गाना था वंदे मातरम, वो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। वंदे मातरम सॉन्ग from the novel Anand Math, written by Bankim Chandra Chattopadhyay, became the popular slogan during the protest. Right? The nation was swept by a strong wave of nationalism. मतलब कर्जन का दाव उल्टा पड़ा। कर्जन को ऐसा लगा मैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ दूंगा, लेकिन वो ज्यादा यूनाइट होकर बाहर आए, मतलब बुमरेंग हुआ, सोचा था क्या निकला क्या। पीपल ऑफ बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्टीशन एज अ नेशनल मॉर्निंग डे, राष्ट्रीय शोक दिवस। पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन, एंड एज पर सजेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर दैट डे वाज सेलिब्रेटेड एज डे ऑफ यूनिटी। मैंने अभी आपको बोला ना, हिंदू भाई ने मुसलमान की कलाई पे राखी बांधी थी, मुसलमान भाई ने हिंदू की कलाई पे राखी बांधी थी, क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताया था कि दे कैन डिवाइड अस पॉलिटिकली, दे कैन नॉट डिवाइड अस इंटेलेक्चुअली। क्योंकि जमीन पे आप लकीर खींच सकते हो, दिल पे कैसे। दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल। अभी तीसरे लेक्चर में बंगाल का यूनिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा, राइट। सो इट इज योर टाइम टू टेक योर ऑप्शन। आई होप सारे टॉपिक्स आपके समझ में आ गए होंगे, एनी डाउट, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। Short note on establishment of Indian National Congress. Right, a short note on Indian National Congress. Question number 2.
डिवीजन ऑफ बंगाल राइट सी दिस आर द टू क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन भोपाल शॉर्ट नोट ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिवीजन ऑफ बंगाल राइट आगे की बात है वो इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ओके चलो मीट यू इन थर्ड लेक्चर